नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कुछ नहीं से कुछ भला, ये जलगांव के लोग जरूर कह रहे होंगे और कहना भी चाहिए, क्योंकि जिस सड़क को आप देख रहे हैं वो सड़क अभी अभी तैयार हुई है और ये पहली बनती हुई सड़क मुझे दिखाई दे रही है, जो इस बात को दिखा रही है कि जलगांव में अब सड़कों का काम शुरू हो गया है। जलगांव वालों के लिए एक ये बहुत ही सुखद न्यूज है कि जलगांव में सड़कों का काम शुरू हो गया है। जलगांव की महापौर जो है वो खुद देख रेख कर रही थी, हमने देखा था इसी वीडियो में कि जलगांव की महापौर इन रास्तों पर मौजूद थी और वो देख रही थी कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि मेरे पीछे जो सड़क के काम में मशीनरीज लगती है वो मशीनरीज मेरे पीछे है, काम शुरू है। ये जो रास्ता है ये पांडे चौक से स्वतंत्रता चौक की ओर जाने वाला रास्ता है, जो एक साइड से अभी तैयार होना शुरू हुआ है। जो रास्ता मैं देख पा रहा हूँ उसमें अभी भी सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काम ढकाने वाला काम किया जा रहा है, मतलब काम चलाने वाला काम किया जा रहा है। यहाँ पर कितनी मोटी लेयर होनी चाहिए उसका कोई मापतौल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी पहली नजर में देखने के बाद ये ऐसा लग रहा है कि एक बारिश भी ये सड़क झेल नहीं पाएगी। और अगर ऐसा होता है, अगर एक बारिश भी ये सड़क नहीं झेल पाती है, तो महापौर और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन लोगों के साथ ऐसी कमिटमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा लग रहा है यहाँ पे, सरकार का पैसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पब्लिक जो टैक्स देती है उसी से ये सब कुछ बन रहा है, पैसा चाहे कहीं से भी आया हो। तो पब्लिक का पैसा बर्बाद करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये जो सड़क बन रही है सिर्फ यहीं की नहीं, पूरे जलगांव में जहां भी सड़कें बनेगी वो कम से कम उनके एक टाइम लिमिट पीरियड्स होना चाहिए, साल दो साल, तब तक वो खराब ना हो। खराब कोई करेगा आके तो ही खराब होगी, ऐसे सड़क चलती हुई कभी खराब नहीं होती है। लेकिन अगर काम अच्छा ना हो, अगर सही तरीके से तारकोल ना मिलाया गया हो, सही सामानों का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो सड़कें अपने आप उखड़ जाती है धूप में, बरसात में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सड़कें बन रही है, लेकिन क्वालिटी की बनेगी तभी जलगांव वालों को कुछ समझ में आएगा और जलगांव वालों को इसकी सुखद अनुभूति तभी होगी जब ये काम सही तरीके से होगा। तो मैं जलगांव वालों की तरफ से महापौर, आयुक्त, कलेक्टर और यहाँ जो जिन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है ये सड़क बनाने का, उन सब से निवेदन करता हूँ कि दो रुपए बचाइए मत, जो आपको मिलना है वो मिलना ही है, बांटने का काम मत कीजिए, सिर्फ पब्लिक के लिए काम कीजिए और अच्छी सड़क बनाइए। जलगांव में लगातार कोरोना फैल रहा है और ये लोग देखिए बिना मास्क के घूम रहे हैं। अभी मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना बढ़ेगा ही, अगर मास्क का इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं तो कोरोना बढ़ेगा ही। सड़क से मैं कोरोना पे इसलिए आया कि सड़क दुखदाई है तो उसी तरीके से कोरोना भी दुखदाई है। जलगांव में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आदमी की कमर का जनाजा निकल जाता है, उसी तरीके से सड़कें जो है और कोरोना, इनकी सिमिलरिटी ये है कि कोरोना भी अगर किसी को होता है तो परेशानियां भर भर कर आ सकती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना नियमों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।